नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और उनके अकेलेपन का है। कभी गुलदस्तों से भरा रहता था राजेश खन्ना का कमरा और बाद में एक गुलाब के लिए भी तरस गए थे काका। 80 के दशक में सुपरस्टार राजेश खन्ना अपने आशिकाना और रोमानी अंदाज से लड़कियों के दिलों पर राज करते थे। कहा तो यह भी जाता था कि जिस सड़क से राजेश खन्ना की कार गुजरती थी उस रास्ते पर इनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम लग जाता था। लड़कियां तो इनकी कार की धूल तक चूम लेती थीं। यहां तक कि लड़कियां राजेश खन्ना के नाम खून से खत लिखा करती थीं। और इतना ही नहीं, एक वक्त था जब उनके घर में फूल के गुलदस्ते रखने की जगह नहीं होती थी। पर फिर ऐसा वक्त भी आया कि धीरे धीरे ये फूल आना बंद हो गए। और कहते हैं जब वक्त का सिक्का चलता है और नसीब जब अपनी करवट लेता है तो आदमी उसके सामने खुद को मजबूर समझने लगता है। वैसे तो राजेश खन्ना ने लगभग 170 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, लेकिन इसके बाद समय बदलने लगा था। चूंकि राजेश खन्ना कभी एक्शन मारधाड़ वाली फिल्में नहीं करते थे, राजेश खन्ना ने हमेशा पारिवारिक, रोमांस, इमोशन से संबंधित फिल्में की और ऐसे में उनके करियर पर इसका जो असर है वो दिखाई देने लगा। मारधाड़ एक्शन से भरपूर फिल्मों के दौर में राजेश खन्ना का क्रेज थोड़ा घटने लगा। वहीं राजेश खन्ना भी फिल्में साइन करना लगभग छोड़ चुके थे और ऐसे में इसका पूरा फायदा अमिताभ बच्चन को मिला। ये भी कहा जाता है कि अगर राजेश खन्ना फिल्मों में बने रहते तो शायद अमिताभ बच्चन कभी सदी के महानायक नहीं बनते। हालांकि इस पर राजेश खन्ना का कहना है कि हर किसी का अपना अपना नसीब होता है, कोई किसी की वजह से सफल या असफल नहीं होता। आपको बता दें कि राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन ने पहली फिल्म आनंद की थी, जो अपने जमाने की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक साबित हुई। पहले गुलदस्तों से घर भरा रहता था और अब एक गुलाब भी नहीं आता। इस पर राजेश खन्ना ने खुद कहा था कि जब वो फिल्मों में काम करते थे, लोगों को उनकी फिल्में और एक्टिंग पसंद आती थी तो फूल भी भेजा करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे फिल्मों में काम करना कम कर दिया, लगभग छोड़ दिया, तो धीरे धीरे ये फूल और गुलदस्ते भी कम होते चले गए। एक वक्त था जब राजेश खन्ना और सलीम खान में गहरी दोस्ती थी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान एक जमाने के मशहूर लेखक और डायरेक्टर थे, लेकिन राजेश खन्ना के अपने अहंकार की वजह से उनके आपसी रिश्तों में खटास आ गई थी। एक बार एक फिल्म मैगजीन में संजीव कुमार पर कवर स्टोरी की गई थी और इस स्टोरी में सलीम खान से पूछा गया था कि एक अभिनेता के रूप में संजीव कुमार के बारे में आपकी क्या राय है, तो सलीम खान ने संजीव कुमार की खूब तारीफ कर दी थी। इस पर राजेश खन्ना ने सलीम खान से पूछा था, तो आपको लगता है कि संजीव कुमार बेहतर अभिनेता हैं? तो सलीम खान ने कहा, हाँ मुझे लगता है। राजेश खन्ना ने इस पर पूछा, और मैं? ये सुनकर सलीम खान हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि ये संजीव कुमार के बारे में स्टोरी है और इस स्टोरी में आपका कोई संबंध नहीं है। अगर आपके बारे में भी कोई पूछेगा तो मैं आपकी भी तारीफ करूंगा। और इसके बाद धीरे धीरे राजेश खन्ना ने उनकी तरफ से अपना रुख मोड़ लिया। ये भी कहा जाता है कि इस मुलाकात के बाद राजेश खन्ना ने सलीम खान से लगभग 6 महीने तक बात नहीं की और राजेश खन्ना के इसी अहंकार का असर उनके फिल्मी करियर पर भी पड़ा। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म दीवार से अमिताभ बच्चन को एक अभिनेता के रूप में नई पहचान मिली थी। इस फिल्म को यश चोपड़ा डायरेक्ट कर रहे थे और इन्होंने सबसे पहले इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को ही चुना था, लेकिन इस फिल्म को सलीम खान ने लिखा था। सलीम खान ने यशराज को कहा कि इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ही ज्यादा परफेक्ट हैं, क्योंकि मैंने राजेश खन्ना को ध्यान में रखकर यह फिल्म लिखी ही नहीं, इसलिए राजेश खन्ना की जगह अमिताभ बच्चन को फिल्म में कास्ट किया जाए और इस तरह राजेश खन्ना को अपने व्यवहार की वजह से अपने करियर में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। राजेश खन्ना की माँ कहती थी कि तुम पिछले जन्म में जरूर ज्यादा रोमांटिक रहे होंगे, तभी तुम्हारा अंदाज बचपन से ही आशिकाना है। राजेश खन्ना मुस्कुराते हुए कहते थे कि माँ, आशिकाना हूँ, तभी तो आशिकाना फिल्मों में काम करता हूँ।
पारिवारिक, ड्रामा, रोमांस, इमोशन वाली फिल्में करता हूँ। और इतना ही नहीं, राजेश खन्ना का ये भी कहना था कि उन्होंने कभी मारधाड़ वाली फिल्मों में काम नहीं किया, हमेशा उन्होंने रोमांस वाली फिल्में की, क्योंकि इश्क और रोमांस से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। इश्क खुदा है, इश्क मोहब्बत है, और इश्क सबसे महान है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।